अच्छे हो ना, घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, घर पे वीडियोस देख के करनी है आप, और जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो आपको बुक में लिखना ही है। आई होप कि आप लोग अच्छे से घर पे स्टडी कर रहे हो और बुक में साथ साथ लिख भी रहे हो और मम्मी को परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ओके, तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, पढ़ना है ना इंग्लिश। ओके, तो हम लोग लास्ट इंग्लिश जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था इंग्लिश का, उसमें हमने क्या किया था, लेसन नंबर 4 टीनास बेस्ट फ्रेंड्स की एक्सरसाइज के एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो आज हम लोग उसी को इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टेक योर टू लीव एंड ओपन पेज नंबर 26 ओवर हियर, यू कैन सी हियर वोकैबुलरी। ओके, तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इफ वी लुक अराउंड अस वी कैन फाइंड मेनी थिंग्स दैट कम इन पेयर आर फाउंड टुगेदर। ओके, अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो कई ऐसी चीज है जो पेयर में मिलेगी हमको। पेयर मींस जोड़ी में, पेयर का मतलब है जोड़ी, जैसे कि है, जैसे आप लोग बोलो शर्ट एंड पैंट, तो वो एक जोड़ी है ना, पेयर है ना, वैसे कई सारी ऐसी चीज होती है हमारे आसपास जो पेयर में होती है। तो कौन कौन सी चीजें होते हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन सी इन योर बुक, आप लोग अपनी बुक में देखो। चलो नंबर 1 पेन एंड पेपर, तो आप देख सकते हो पेन एंड पेपर। ओके, पेपर पेन। ओके, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल और पेन वॉट एवर, तो आपको पेपर में लिखने के लिए क्या चाहिए, पेंसिल या फिर पेन। ओके, लिखने के लिए चाहिए ना, तो ये है एक पेन लाइक दिस है। और कौन कौन सी पेन है, हियर नंबर 2 कप एंड सॉसर। ओके, कप सॉसर, कप एंड डिश, कप डिश पे, डिश के ऊपर कप रखते हो ना, वो सॉसर। ओके, तो आप लोग चाय पीते हो ना मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट करते हो ना, एंड ब्रेड एंड बटर आल्सो, वो भी एक पेन है, बटर में ब्रेड लगाते हो ना, वो भी एक पेन। नंबर 4 लॉक एंड की, लॉक एंड की मींस ताला एंड चाबी। ओके, ताला को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए चाबी चाहिए ना, यानी कि की चाहिए ना, तो वो भी क्या है, एक पेन है, जोड़ी है। तो आज हम लोग उसी के बारे में इस फर्स्ट टॉपिक में लर्न करेंगे। हियर यू कैन सी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट डाउन द पेयर ऑफ वर्ड्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक प्रोवाइड की गई है, वहां पे आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देख के उसकी पेयर का स्पेलिंग, उसका नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं ड्रॉ किए है, पर आपको बुक में पिक्चर देखना है, और यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ वो मेरे साथ इस ब्लैंक में लिखना है। So look at the first picture on page number 26. Yes, page number 26 पे आपको देखना है। So page number 26 पे, यहाँ पे vocabulary में number 1 वाला picture है, कौन सा है, recognize करो। Yes, shoes and socks। तो आप लोग shoes पहनते हो, तो पहले आपको क्या पहनना होता है, socks, उसके बाद shoes पहनते हो ना, school आते हो ना shoes and socks पहन के, white color के socks and black color के shoes, है ना, अपन uniform। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शूज एंड सॉक्स। सो राइट डाउन हियर एस ओ सी के एस सॉक्स एंड डी एंड सॉक्स एंड क्या आएगा शूज, यस एस एच ओ ई एस। ओके, शूज, तो क्या है स्पेलिंग, एस ओ सी के एस। ओके, लिखो चलो अभी, सॉक्स एंड डी एंड एस एच ओ ई एस शूज, तो सॉक्स एंड शूज। ओके, एंड यू हैव टू राइट दिस इन योर टुलिप्स विद गुड हैंड राइटिंग। ओके, नाउ नंबर 2, चलो फिर से अपनी बुक में देखो और मुझे बताओ कौन सा पिक्चर है, ये कौन सी पेज है। यस, बैट एंड बॉल खेलते हो ना, बहुत खेलते हो आप लोग बैट बॉल से, मुझे पता है मम्मी ने बोला है कि बैट बॉल से बहुत खेलते हैं, ग्राउंड जाते हो ना खेलने। यस, तो ये है पे बैट और बॉल की, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ए टी बैट। ओके, मैं बोल रही हूँ ना, सुन रहे हो ना, चलो लिखो बी ए टी बैट एंड बी ए डबल एल बॉल, बी ए डबल एल बॉल, बैट एंड बॉल। ओके, सेकंड नंबर की पेन है हमारी बैट एंड बॉल, डन, हैव यू रिटन, यस, वेरी गुड। देन नंबर 3 वाला पिक्चर क्या है, ये शर्ट एंड शॉर्ट्स। ओके, शर्ट है और नीचे
शॉर्ट्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पेलिंग ऑफ शॉर्ट एंड शॉर्ट्स. सो राइट डाउन विथ मी एस एच आई आर टी शॉर्ट, एस एच आई आर टी शॉर्ट, एंड एन डी एंड एस एच ओ आर टी एस शॉर्ट्स. ओके, एस एच आई आर टी शॉर्ट एंड एस एच ओ आर टी एस शॉर्ट्स, शॉर्ट एंड शॉर्ट्स. डन. अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके आप लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज यस, यू नो दिस, व्हाट इज दिस, चेयर एंड दिस वन टेबल, दिस इज पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर. मैम बैठते हैं ना चेयर पे, स्कूल आते हो ना, पता है ना, मैम चेयर पे बैठते हैं, टेबल पे वॉक करते हैं, तो टेबल एंड चेयर. ओके, ये एक पेयर है. तो लिखेंगे नंबर फोर में सी ए जे आई आर जे. ओके, एंड टी ए बी ए बी टेबल, आता है ना स्पेलिंग टेबल का, सी ए जे आई आर जे एंड टी ए बी ए बी टेबल. डन, जे एंड टेबल रिटर्न. तो फर्स्ट इज सॉक्स एंड शूज, नेक्स्ट बेल्ट एंड बॉल, थर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स एंड चेयर एंड टेबल. ओके, तो ये हमने क्या किया, वोकैबुलरी में पे जो पे है यानी कि जोड़ी है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे पे हमें देखने को मिलते हैं. कुछ पे जो यहाँ पे पिक्चर में दी गई है उसके हमने स्पेलिंग्स लिखे हैं. अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वीडियो रिवाइंड करके अभी के अभी आप कंप्लीट करें. ओके स्टूडेंट, नाउ ऑन ऑपोजिट पेज यू कैन सी हियर प्रोनाउंसिएशन. तो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड है वो रीड करेंगे. सो दिस वर्ड आर कॉल्ड आल्सो राइमिंग वर्ड्स. ओके, प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स. ओके, दीज आर राइमिंग वर्ड्स. सो फर्स्ट इज हियर, दीज वर्ड्स राइम विथ एस यू एन सन. ओके, एस यू एन. ओके, यू को क्या करें, क्या बोलेंगे हम लोग, अ, और एन को न. ओके, स अ न सन. ओके, तो यहाँ पे है एस यू एन सन के कुछ राइमिंग वर्ड्स. सो लेट्स सी दिस, हियर फर्स्ट इज आर यू एन रन, R U N run, B U N burn, F U N fun, G U N gun. Okay, so these words are rhyme with S U N sun. Here I am repeating, run, burn, fun, gun, run, burn, fun, gun. Okay, so these are rhyme with sun. यानी कि पीछे ऐसा rhyme create हो रही है, on, on, on. Okay, सब word में पीछे एक rhyme create हो रही है. So these are rhyming word. Then next is, these words rhyme with caught. Okay, तो यहाँ पे कैसा sound आएगा, ought, ought जैसा sound आएगा. O A, O A को साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, O, और T को T, यानी कि ought. So first is B O A T bought, M O A T mod, F L O A T float, G O A T got. So you can see here, यहाँ पे एक rhyme create हो रही है जो है odd, ऐसा sound create हो रहा है पीछे. Bought, mod, float, got. Bought, mod, float, got. So these are rhyming word. Okay. Now on page number 27, here next topic is listening skill. Okay, तो यहाँ पे listening skill में जो है वो topic है, we read the following description about the pet birds and animal in this chapter. Okay, इस chapter में Tina's best friend, तो यहाँ पे हमने birds के बारे में देखा ना, और animals के बारे में, pet के बारे में. तो यहाँ पे एक टेंगी था. Okay, तो वो टेंगी कैसा था, टेंगी dog जो है वो small and ब्राउन, जो डॉग था वो कैसा था, स्मॉल यानी कि छोटा था, और उसका कलर कैसा था, ब्राउन था. फिर एक पिजन भी था हमारी स्टोरी में, तो वो पिजन कैसा था, ग्रे एंड ब्यूटीफुल, वो ग्रे कलर का था, और लुक वाइज कैसा था, एकदम
ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे डॉग था वो स्मॉल ब्राउन था, पिजन था वो ग्रे एंड ब्यूटीफुल था। इट मीन्स यहाँ पे जो एनिमल है, बर्ड है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया है, यानी कि उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी हम लोग सीखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी एनिमल, बर्ड या पर्सन के बारे में आप कुछ बोलते हो, यानी कि उसकी साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके शेप के बारे में। ओके, साइज यानी कि टॉल शॉर्ट, कलर यानी कि रेड कलर का है ये चीज़, ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की है, जैसे कि ये चौक येलो कलर का है। ओके, ये चौक है पर कैसा है, येलो इन कलर। ओके, तो और ये बोर्ड है पर कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का अगर है तो। ओके, तो मैं ये कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा बताते हो, यानी कि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यहाँ पे है कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो लेट्स सी दिस। तो आपकी बुक में पिक्चर्स है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं। ओके, तो पिक्चर आप अपनी बुक में देखो। हियर फर्स्ट पिक्चर किसका है, बॉक्स का। ओके, पिक्चर बॉक्स का है, मैं इसको बॉक्स ही बोलूँगी। ओके, जैसे कि ये है, ये एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स। पर बॉक्स कैसा है, अगर आपको कोई पूछे कैसा है, तो यहाँ पे लिखा है बिग येल्लो बॉक्स। यू कैन सी हियर अ बिग येल्लो बॉक्स, बॉक्स है पर कैसा है, बिग एंड येल्लो इन कलर। ओके, साइज उसकी बिग है और येल्लो उसका कलर है उस बॉक्स का। यू कैन सी इन योर बुक, बड़ा है और येल्लो कलर का है। तो यहाँ पे बॉक्स ही है वो, पर उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया, यानी कि बॉक्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन से वर्ड से उसको डिस्क्राइब किया गया है, बिग से और येल्लो से। ओके, यानी कि कोई भी चीज़, पर्सन, एनिमल, बर्ड के साइज, उसकी साइज बताना, उसका शेप बताना, उसका कलर बताना, तो वो है उसको डिस्क्राइब करना, उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अगर कोई भी वर्ड आप ऐसे फाउंड करो कोई भी सेंटेंस में कि जो उसकी साइज बताता है, जैसे कि बिग उसकी साइज है, कलर बताता है यानी कि येल्लो उसका कलर है, तो दिस वर्ड आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, हियर वन बाउल इज हियर, रेड कलर का जो है वो, पर वो बाउल कैसा है, अ राउंड बाउल। ओके, राउंड बॉल, राउंड राउंड बॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड, उसका शेप बताया गया है, शेप है ना, बॉल तो एक चीज है, तो उस चीज को कैसे डिस्क्राइब की गई है, राउंड, उसकी शेप से। तो राउंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करनी है। जहाँ पे सॉक्स, ओके, कौन से कलर के है, ब्लू इन कलर, यस ब्लू सॉक्स। तो सॉक्स एक थिंग है और उसको किससे डिस्क्राइब किया गया है, उसके कलर, उसका कलर बताया गया है ब्लू, तो ब्लू यहाँ पे है डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट इज हियर वाइट शूज, शूज है एक चीज है, पर वो कैसी है, शूज कैसे है, अगर आप पूछो कि ये चीज कैसी है, शूज कैसे है, तो वाइट, वाइट उसका कलर है, तो ये जो कलर है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। स्टूडेंट इसको हम लोग एक दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में भी लर्न करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो वीडियो, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, आप देख सकते हो सम पिक्चर्स आर देयर ए बी सी डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिसन केयरफुली, क्या करना है आपको, मैं जो वर्ड बोलूँ उसके रिलेटेड आपको इसमें से पिक्चर फाइंड करना है अपनी बुक में। ओके, जो भी मैं वर्ड बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक करता हुआ कोई भी पिक्चर आप फाइंड करो, उसमें टिक करो। ओके, एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, वैसे ही जो भी मैं वर्ड बोलूँ उसके रिलेटेड आपको एक पिक्चर फाइंड करना है और उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको राइट टिक करना है। ओके, एक एक्टिविटी है। सो हियर, चलो पहले मैं बोलती हूँ स्कीपिंग, तो चलो वहाँ पे स्कीपिंग का पिक्चर फाइंड करो, कौन सा पिक्चर होगा स्कीपिंग का, यस ये डी वाला, लास्ट वाला, वन गर्ल इज स्कीपिंग हियर। तो आपको क्या करना है, डी वाले पिक्चर में राइट टिक करना है, तो करो यहाँ पे डी में टिक। ओके, यहाँ पे मैं जो बोलूँ वो पिक्चर आपको फाइंड करना सीखना है। ओके, नेक्स्ट वन बॉय इज जंपिंग, ओके एक बॉय जंप कर रहा है, चलो फाइंड करो पिक्चर में कौन सा बॉय जंप कर रहा है, यस ए वाला, यू कैन सी हियर वन बॉय इज जंपिंग हियर। ओके, तो आप ए वाले पिक्चर में टिक करो। ओके, ऐसे राइट टिक करना है आपको। नेक्स्ट वन गर्ल इज डांसिंग, डांसिंग, ओके चलो डांसिंग, चलो कौन डांस कर रहा है पिक्चर में, फाइंड इट बाय योरसेल्फ।
हियर सी वाला पिक्चर आप देख सकते हो कि वन गर्ल इज डांसिंग हियर, तो आप कहाँ पे करोगे, सी में, डांसिंग तो सी, ओके सी वाले पिक्चर में टिक करोगे। नाउ रनिंग, तो चलो कौन रन कर रहा है पिक्चर में फाइंड करो जल्दी से। यस बी वाला पिक्चर, वन पिक्चर इज लेफ्ट बी, वन बॉय इज रनिंग हियर, ओके तो आप लोग करोगे बी में। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने सभी में टिक किया, पर यहाँ पे हमें करना क्या था कि जो मैं बोलूँ उस वर्ड को आपको कैप्चर करके उस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, रिलेट करना है, ओके तो यहाँ पे हमने ये सीखा। सो स्टूडेंट नाउ वी हैव लर्न इन दिस वीडियो पेयर, राइमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके ऐसा हमने सीखा। और आगे का भी स्टूडेंट आपको ये नहीं करना है कि अभी चलो ये वीडियो देख लिया यहाँ पे खत्म, आगे के जो प्रीवियस वीडियो है लेसन नंबर 1, 2, 3 वो भी आपको जब भी टाइम मिले वो आपको देखना है, और रीडिंग प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है, वो स्टॉप बिल्कुल नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट थैंक यू।